ठीक है, इस तरीके से आपको पैकेजिंग मिलती है ब्लू डार्ट की। और अब हम इसको लाइव अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसे आज तक हम सारे वीजा को आपके सामने अनबॉक्स करते हुए आए हैं। इनका एक रिफ्यूजल था स्विट्जरलैंड से, ट्रेवल हिस्ट्री खास इनकी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है इस वीजा का, खोलते हैं क्या। तो जी वीजा लग गया है, अब बात करते हैं आगे आपसे वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली जो बहुत दिन से अवेटेड थी कि क्या शेंजन वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर लग सकता है, आज इसी की वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ हैं जोगिंदर शर्मा, मैं हूँ दीपक कौशिक, आप देखें ट्रेवल पंडित। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जोगिंदर शर्मा जी हैं, इनका बहुत ही इच्छा थी शेंजन यूरोप ट्रेवल करने के लिए, इसलिए ये मेरे साथ दुबई भी गए थे इस साल की शुरुआत में, जिसकी वीडियोस शायद आपने देखेंगी, और नहीं देखी होंगी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उन्हें देख सकते हैं। तो जहाँ तक लोग कहते हैं कि शेंजन वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री लगभग निल है। इनका सिर्फ और सिर्फ जो है दुबई का ट्रैवल है, जो मेरे साथ ही ये गए थे। फिलहाल हम बैठे हैं बार्सिलोना शहर में, स्पेन में ही मेरे साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट जो है फ्रेश है। और आजकल काफ़ी सारी दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल निल था, तो हमने साथ में ही ट्रैवल किया। अब बात करते हैं इनसे वीज़ा के बारे में। जोगिंदर जी आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपका शेंजन वीज़ा फ्रांस का जो हमने किया था? मैंने अपने बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट लगाई है, और GST और जो भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सब लगाए हैं, और फॉर्म फिल किया था, और जो भी इन्होंने हमें बताया दीपक जी ने वो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे। दोस्तों एक मैं लास्ट वीडियो में ही बताना भूल गया, वैसे जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कोविड का वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हमने लगाया था, हमने इनकी फाइल में भी जो है फुली वैक्सीन होने का प्रूफ लगाया था। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वो भी इनके थे, इनका बिजनेस है एक्चुअली, तो उसका रजिस्टर्ड होने का प्रूफ जैसे कि GST इंडिया में होता है, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो गई, फ़ोटो हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म हमने इनका फिल किया था साइन करा के, कवरिंग लेटर का, यही सब चंद चीज़ें जो इनके लिए भी हमने लगाई थी। इनकी तैयारी जो थी हम लगभग 2 साल से कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि इनका लास्ट ईयर भी स्विट्जरलैंड से रिफ्यूज़ल था, उसके बावजूद हमने इस साल जो इनका वीज़ा अप्लाई किया और उन्हें वीज़ा मिल गया। इन्हें मिला 3 महीने का वीज़ा 30 डेज स्टे के साथ। तो दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, सब चीज़ ठीक रखते हैं, तो कोई भी वीज़ा मिलना मुश्किल नहीं है। जैसे कि इनका मैंने आपको बताया कि रिफ्यूज़ होने के बाद भी इन्हें इस साल जो है वीज़ा मिल गया। ये इनका पासपोर्ट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री आखिरकार क्या है। तो दोस्तों ये इनका पासपोर्ट है, सिंगल पासपोर्ट है, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ कि आखिरकार इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है क्या। दोस्तों ये रहा इनका पासपोर्ट, ये अब आपको देखेंगे कि सारा का सारा जो है ब्लैंक है, इसमें कहीं पर भी कुछ जो पेजेस हैं वो भरे हुए नहीं हैं। और यहाँ पर इनका इस शेंजन का वीज़ा आ गया, यहाँ पर इनकी स्टैंप लगी हुई है जो इनकी एंट्री की है। इन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया था दुबई, जिसकी UAE की स्टैंप जो है लगी हुई है, और इससे ज़्यादा इनका कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा पासपोर्ट इनका ब्लैंक है, ये रहा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि फ्रेश पे लग नहीं सकता, लेकिन इनके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी डॉक्यूमेंट्स की, जो भी सही से मैनेज होने चाहिए ट्रांजैक्शंस वगैरह, आखिरकार इन्हें वीज़ा मिल गया, और आज ये मेरे साथ फ़िलहाल स्पेन में बैठे हुए हैं। हालाँकि हमने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया था, उसके बाद हम यहाँ पर आए स्पेन में, क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा थी बार्सिलोना को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है इस कंट्री को विज़िट करते हैं। दोस्तों यही था आज की वीडियो में, बाकी मैं आपको इनसे एक बार रूबरू करा देता हूँ कि आखिरकार इन्हें कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका वीज़ा अप्लाई करने का हमारे साथ और यहाँ पर ट्रैवल करने का। तो आपका एक्सपीरियंस वीज़ा का कैसा था और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ पे इनके रिलेटिव भी हैं दीपक जी के, तो मैं तो ये कहूँगा हमें लग ही नहीं रहा है कि हम अपने देश से इतनी दूर हैं, रहने से और खाने तक, मतलब कोई भी हमें ऐसा लग ही नहीं रहा। हाँ बस ये है कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया इज़ द बेस्ट। जी हाँ, तो हमारी अब लगभग 3-4 दिन रह गए हैं, 3-4 दिन बाद हम वापस जो इंडिया जा रहे हैं। तो जोगिंदर जी आपको जो हमने आपका वीज़ा अप्लाई किया, आपको उम्मीद थी कि रिफ्यूज़ल के बाद आपको दोबारा वीज़ा मिल पाएगा शेंजन? शायद मुझे तो नहीं थी जी, लेकिन आपकी कोशिश और आपके इरादे बिल्कुल पक्के थे और आपने वो कर दिखाया, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा
ऑल वर्ल्ड में कहीं भी किसी को कोई वीज़ा कहीं का लगाना हो तो दीपक कौशिक जी से संपर्क करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और भी कई ऐसे हैं जो मुझे मेरी नॉलेज में हैं जिनको कहीं का वीज़ा नहीं मिल रहा था, आज वो अपने जहाँ पे जाना चाहते थे वो पहुँच चुके हैं। रात को हमें यहाँ पे स्पेन में भी कोई मिला है, हमने उनको भी बताया है, जो कि सब कुछ होते हुए भी उनका वीज़ा कैंसिल हुआ है और आने वाली आगे वीडियो में ये उसके बारे में ज़रूर। तो मैं यही कहूँगा जिस किसी को भी कहीं का वीज़ा लगाना है तो दीपक कौशिक जी से संपर्क करें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसे एक वीडियो में जहाँ फ्रेश पासपोर्ट और वीज़ा आएगा या नहीं आएगा वो हम डिस्क्लोज करेंगे। आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।